So basic structure of your HTML. Excuse me, sir. Yes, beta. तो हमारी प्रैक्टिकल फाइल है, रिपोर्ट फाइल और दूसरी वाली, उसका हम प्रिंट आउट ब्लैक एंड व्हाइट ही निकलवाएं कि सो बॉडी टैग्स स्टार्ट देन स्टार्ट फॉर्म एंड इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस कि देयर आर सम एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉर्म टैग नेम then action में आपके ने देना name of the web page where redirection is provided, ठीक है, जहाँ पे आपने क्लिक करने पे जो कोई भी web page you want to open उसका name देना आपने, suppose I want to open abc.html, then method, there are two type of methods, get and post. Next is method. Then after that there is some labels, like suppose you want to put here roll number. So after that you will have to use input tag type equal to type, maybe text box, maybe radio button, maybe check box, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो आप यहाँ पे. तो हियर इज टेक्स्ट बॉक्स एंड नेम इज इक्वल टू, हियर इज गिव वन नेम, देन चेंज द लाइन, हियर इज नेम, input type is equal to name is equal to b. I am inserting only two controls and after that use button. There are two type of button, submit and reset. So here input type equal to submit, get and post. बेटा अगर हमने मैंने अभी आपको ना अगर प्रैक्टिकल मैं विद परमिशन ऑफ प्रिंसिपल मैं कंडक्ट करता हूँ. सो बेटर इज टू डू द प्रैक्टिकल दीस थिंग्स मे बी इन योर पेपर, ठीक है. So why you are wasting your time? At the end, close form. And then close body tag and then close HTML tag. Save your web page. Sorry.
So here is your text box, and these are two buttons, submit button and the reset button. Okay, students, now next is, बेटा दीज आर वेरी माइनर थिंग्स, प्रैक्टिकल में आपको प्रॉब्लम आने वाली है. इन केस यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ बटन्स, बाय डिफॉल्ट बटन में सबमिट लिखा हुआ है, यू वांट ओके राघव कम इन फर्स्ट, एंड इन केस ऑफ रीसेट यू वांट कैंसिल. ठीक है, तो आपने देना देयर इज अ वैल्यू, वैल्यू एट्रीब्यूट, वैल्यू इज इक्वल टू ओके, value is equal to cancel. So I am saving this and refreshing the web page. Okay and cancel. Let's tell you beta, okay. Quickly type the coding. So next is, अगर हमें यहाँ पे कोई पासवर्ड देना है, ठीक है, तो टाइप यहाँ पे मैं एक और इंसर्ट कर रहा हूं, पासवर्ड, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, एंड देन नेम इज इक्वल टू give a unique name. ठीक है, name input type is equal to password. I am saving this, refreshing this. If I type something here, it is in encrypted form. Concept is clear. Even then, because we are here creating only you can say interface, but for whenever we will use the coding, these are required. Here you can skip, but for a long run, it is required. अब हमने करने दे रहा सम एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग. ठीक है, यस बेटा, इनपुट टैग वी हैव यूज टाइप एंड नेम टू एट्रीब्यूट. नेम गिव द नेम ऑफ द पर्टिकुलर कंट्रोल्स, और जो टाइप होता है ये बताता है कि आपका कंट्रोल किस टाइप ऑफ कंट्रोल, वेदर इट इज अ चेक बॉक्स, रेडियो और टेक्स्ट बॉक्स. नेक्स्ट इज, नाउ देयर आर सम मोर एट्रीब्यूट्स, मैक्स लेंथ. Maximum number of characters you can user can enter, suppose 3. More than 3 input is not possible. मैंने यहाँ पे max length मैंने इसको save कर दिया, मैंने roll number में insert किया इसको. ये देखिए बेटा, I will type but it is not possible.
टू टाइप मोर देन 3 कैरेक्टर्स मैक्स लेंथ. इंप्लीमेंट दिस बेटा क्विकली इंप्लीमेंट. तो 10 से ज्यादा नहीं लेस कर सकते हो, 10 से ज्यादा नहीं कर सकते. ओके स्टूडेंट्स ये देखिए बेटा टेक्स्ट बॉक्स का कितना साइज हो. ठीक है तो देयर इज अनदर एट्रीब्यूट साइज. ठीक है तो यहां पे आप देख सकते हो साइज इज इक्वल टू साइज इज इक्वल टू 5. इसका मतलब 5 कैरेक्टर जितना साइज होगा उससे अबव नहीं हो सकता. इट मींस साइज विल बी रिड्यूस, विड्थ विल बी रिड्यूस. ये देखिए बेटा so next attribute is size. First is type, name, size, max length. Raghav, if I want to insert default value, no default value put yahan pe insert karni hai. So there yes value इक्वल टू एबीसी कुछ भी दे सकते हैं. साइज उसकी विड्थ सेट करेगा. ये देखो बेटा एबीसी डिफॉल्ट है. सो एनी डाउट इन दीज एट्रीब्यूट्स. तो मैं रिपीट कर रहा हूं टाइप एट्रीब्यूट देर आर एट्रीब्यूट्स आर name, type, max length, value and size. These are the attribute of which tag? Input tag. Now next is it is empty tag. Input tag is an empty tag. It is not a container tag. Now next is if you want to insert any checkbox टाइप इक्वल टू. ठीक है चेकबॉक्स आपने दी. ठीक है तो मैं यहाँ पे एक चेकबॉक्स लगा रहा हूं. हियर इज मेल इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स and name is equal to any name. And value. बेटा नेम ऑफ बोथ द टेक्स्ट बॉक्स मस्ट बी डिफरेंट अदरवाइज सिंगल सिलेक्शन होगी. मल्टीपल से हाँ टेक्स्ट बॉक्स में नेम डिफरेंट होते हैं. और ये जो वैल्यू है यहाँ पे हमने दी हुई वेरिएबल ये जो डेटाबेस में वैल्यू जाएगी यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है. जब डेटाबेस में जाएगी वैल्यू ये वैल्यू एट्रीब्यूट में हमने देंगे ना वैल्यू कौन सी जाए. ठीक है टाइप इक्वल टू वो वैल्यू थी वो डिफॉल्ट वैल्यू है जब आप फिल कर दोगे इट विल बी चेंज. तो डिफॉल्ट वैल्यू चली जाएगी. So I am going to save this. ठीक है यहाँ पे अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडियो बटन में सिंगल सिलेक्शन होती है. ठीक है तो हमने सिंपली यू विल डू टू थिंग्स. चेकबॉक्स की जगह आपने क्या लेना है इसमें रेडियो. यहाँ पे भी रेडियो नेम मस्ट बी सेम. ठीक है नेम हमने सेम कर देने यहां पे. नाउ सेव दिस. ये देखो बेटा
These are radio buttons. Now, one example of a checkbox. MCA. In checkbox, names are different. These are checkboxes. Bhumika, Anshika, Dipti. Now, next is if you want to make a multi-line text box, there is text area. Multi-line means ek box mein rahega, because otherwise ek hi single line hai, so multiple lines. So there is a here I am giving address after password. So here is text area. Here we will have to specify number of rows and number of columns. Calls, so it is a container tag text area. बेटा बैल हो गई. So here I am using VR to change the line. So I am saving this. So this is your all the controls. Okay, online students, any doubt here? Yes, online students, any doubt here? Thank you.
Okay, but now I'm going to close the meeting. Take care. Bye, beta.